एक अधूरी प्रेम कहानी। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल KMP स्टोरी FM में आपका स्वागत है। आज फिर से मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एक और इंटरेस्टिंग कहानी, जिसका नाम है एक अधूरी प्रेम कहानी। आगे बढ़ने से पहले, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको हर रोज नई कहानी सुनने का मौका मिल जाए। प्रेम, लव और स्नेह कितने प्यारे शब्द हैं ना? हाँ, मगर सबके लिए नहीं। कम से कम प्यार में ठुकराए गए या धोखा खाए गए लोगों के लिए तो बिल्कुल नहीं। चलिए शुरू करते हैं ये कहानी, जिसे सुनने के बाद शायद आपकी भी पुरानी यादें ताज़ा हो जाएं। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया। नहीं, सच बात तो ये है कि एक गरीब लड़के को एक अमीर घर की लड़की से प्यार हो गया। लड़की के प्यार में पागल लड़का अपने आप पर काबू ना रख सका। एक दिन उसने लड़की को प्रपोज कर दिया। सोचिए आगे क्या हुआ होगा। आपने बिल्कुल सही समझा। अमीर लड़की ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारी पूरे महीने की कमाई और मेरे एक दिन का खर्चा एक बराबर है। बस इतनी ही बराबरी है हम दोनों में, बाकी सब जमीन आसमान जैसा है। मैं तुमसे प्यार करना तो दूर, ऐसा सोचना भी पसंद नहीं करूंगी। इसलिए मेरे बारे में भूल जाओ और अपने स्तर की लड़की ढूंढो, उससे ही शादी करना। आए बड़े शादी करने वाले। सोचिए कि आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करते हो और वो इतनी ही निर्दयता से शब्दों के तीर आपके प्यार भरे दिल पर छोड़ दे, कैसी हालत होगी आपकी। बेचारा गरीब लड़का आहत होकर खून के आंसू पीकर वहां से सिर झुकाकर चला गया। इतनी कठोरता से ठुकराए जाने के बावजूद पता नहीं क्यों लड़का उसे कभी भी भुला नहीं पाया। शायद सच्चा प्यार ऐसा ही होता है। इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। एक दिन वह गरीब लड़का और अमीर लड़की गलती से एक शॉपिंग मॉल में एक दूसरे से टकरा गए। लड़की ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया और कहा, अरे तुमने तो कोई अपने स्थाई लड़की ढूंढ ली होगी, उससे शादी कर लिया है या नहीं? लड़की ने कहा, मैंने अब एक बहुत स्मार्ट लड़के से शादी करी है, तुम्हें पता है उसकी एक महीने की कमाई पूरे 10 लाख रुपए है। क्यों, अच्छा हुआ ना तुमसे शादी नहीं की मैंने। देखा, लड़का उस लड़की की अब भी परवाह करता था। वो उसके दर्दनाक शब्द सुनकर आज भी उसने पहले की तरह ही सुनकर अपने आंसू रोक लिए और कुछ नहीं कहा। लड़की अकेले मॉल में नहीं आई थी, उसका पति उन्हें बातें करते देखकर उनके पास आ पहुंचा। लेकिन इससे पहले ही लड़की कुछ बोल पाती, उसके पति ने तुरंत उस लड़के को पहचान लिया जिससे वह बात कर रही थी और कहा, अरे सर, आप, गुड मॉर्निंग सर, मुझे लगता है कि आप मेरी पत्नी से मिल चुके हो। लड़के ने लड़की के पति से कहा, गुड आफ्टरनून। फिर पति ने अपनी पत्नी से कहा, डार्लिंग मैं चाहूँगा तुम मेरे बॉस से मिलो, ये उसी 100 करोड़ के प्रोजेक्ट के स्पॉन्सर हैं जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। लड़की सिचुएशन को यू टर्न देखकर हैरान रह गई। अब साफ दिखाई पड़ रहा था कि ना तो उसकी आंखें ही नहीं, मुंह से भी कुछ ना कह पाए, ऐसी स्थिति थी। लड़का बस मुस्कुराया और कहा, ठीक है मिस्टर, अब मैं चलता हूँ, मुझे जाना होगा, मेरे पास काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। आज आपको देखकर बहुत अच्छा लगा और आपका दिन शुभ हो। ओके, टेक केयर। कुछ ही देर के लिए पति पत्नी बस उस लड़के को जाते हुए देखते ही रहे। लड़की ने झटके से उबरने की कोशिश करते हुए अपने पति से पूछा, क्या ये वाकई में तुम्हारा बॉस था? लड़की के पति ने कहा, हाँ डार्लिंग,
काफ़ी विनम्र व्यक्ति हैं ना, लेकिन उनके जीवन के साथ काफ़ी दुखद कहानी जुड़ी हुई है। उन्होंने एक बार मुझे कहा था कि वह किसी लड़की से प्यार करते थे, लेकिन उसने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि वो तब गरीब थे। इसी वजह से उन्होंने जीवन में कड़ी मेहनत की और क्योंकि वो होशियार हैं, वह सफल हो गए। अब वह एक करोड़पति हैं जो एक महीने में लाखों डॉलर कमाते हैं। लेकिन मैं ये तो ज़रूर कहूँगा कि वो उस लड़की से एकदम सच्चा प्यार करते थे, इसलिए वह आज भी अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ पाए हैं। उन्होंने अब तक शादी भी नहीं की है। पति उनके गुणगान गाता रहा। पति ने कहा, कितनी खुशनसीब होती वो औरत अगर इस भले इंसान से शादी कर लेती। पत्नी पूरी तरह सदमे में थी और एक शब्द भी न बोल सकी। दोस्तों, जीवन हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा छोटा होता है, इसलिए दूसरों को उनकी वर्तमान परिस्थितियों के कारण नीचा दिखाकर बहुत अभिमानी या गर्वित होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। समय के साथ चीज़ें और परिस्थितियाँ दोनों बदलती हैं। दोस्तों, कैसी लगी हमारी ये कहानी, एक अधूरी प्रेम की कहानी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको हर रोज़ नई कहानी सुनने का मौका मिल जाए। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग लव स्टोरी है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।